सत श्री अकाल, नमस्ते और हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे ज्यादा खास होने वाली है। अगर मैं कहूं तो इस साल की सबसे खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप HDFC बैंक में सिलेक्ट हो सकते हो, कौन से ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो वो अक्सर पूछते हैं, कितने राउंड होते हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाता है, कैसे आप उनको आंसर देना है, उसके अलावा क्या क्या वो टेस्ट लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। करीब 4 महीने पहले भी दोस्तों मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे उनकी सारी बातें पता है, पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं सिलेक्ट होता फिर भी मेरे हाथ जॉब नहीं लगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। उसके अलावा जो जो मेरे साथ हुआ मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो यही चाहूंगा दोस्तों, जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियोस को प्यार दिया, इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। मैं ऐसे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूं जिससे कि आप मोटिवेट हो, जिससे आपको जॉब मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, HDFC बैंक इंडिया का टॉप मोस्ट बैंक है, अगर मैं बोलूं तो नंबर 1 बैंक है इस टाइम इंडिया का प्राइवेट कंपनीज में। और अक्सर बहुत से लोग हैं जो HDFC बैंक में जॉब करना चाहते हैं, पर एक बात यहां पे देखनी है, एक और जाऊंगा कि दोस्तों बहुत मुश्किल है HDFC बैंक में जॉब करना। लगभग 20 से 30 लोग मैं अगर बोलूं हर 2 घंटे के अंदर इंटरव्यू देते हैं, तो उनके पास बहुत भीड़ लगी रहती है। बहुत से लोग आजकल तो ऑनलाइन जैसे पोर्टल जैसे docky.com, shine.com, indeed.com, उससे भी बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। पर उस भीड़ से दोस्तों कैसे आप हटकर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हो, आज आपको इस वीडियो में साइड डेज बताने वाला हूं। करते हैं शुरू। सर दोस्तों, अगर मैं बात करूं कैसे आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तो मेन बात यहां पर ये आती है दोस्तों, मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो सेक्टर 70 में दिया था, जो कि मोहाली में है। मैंने भी दोस्तों ऑनलाइन सर्च किया और जब मुझे पता लगा कि भाई वहां पे जॉब चल रही है तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। बट यहां पे एक बात और ऐड करने वाला हूं कि दोस्तों मेरे को खाली 3 महीने का पिछला एक्सपीरियंस था, प्लस मेरे पास जो यूट्यूब का एक्सपीरियंस था जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड्स की वीडियोस के बारे में बताता हूं, उससे भी दोस्तों मुझे एडिट एडवांटेज मिला और मैं इंटरव्यू के लिए जा सका। वरना अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो दोस्तों अगर आप इंटरव्यू के लिए भी चले भी जाओगे तो 99% है कि आप सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपसे पहले बहुत लोग आए होंगे जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिनको बेशक 2 महीने का भी एक्सपीरियंस होगा या जॉब करी होगी। तो इस करके आपको बैंकिंग लाइन की नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाली म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स हो गया, सिप हो गया, उसके अलावा लमसम हो गया, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी क्रेडिट कार्ड्स की नॉलेज होगी, जितनी भी चीजें बैंकिंग लाइन की, उस सारे की दोस्तों नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अगर आपका यह टिक मार्क होता है, अगर आपको ये सारी चीजें आती है, तो अब आगे मैं आपको बताता हूं। अब सेकंड बात करो दोस्तों, कितने राउंड्स होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 राउंड्स होते हैं, और 2 राउंड्स एक तरह से अगर मैं बोलूं 10 राउंड के मुताबिक होते हैं। अब दोस्तों पहले राउंड में क्या होता है, पहला राउंड बहुत ही लेंथी होता है, उसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेकंड राउंड में आपसे लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या और बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट राउंड के यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों ऑब्वियसली आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपके कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं, मदर डैड, मदर फादर क्या करते हैं, सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो तोप चलती है उनके क्वेश्चंस की, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपने इस जॉब में क्या करने आए हो, आपको किस चीज की नॉलेज है, या आपको किस रेफरेंस के थ्रू आए हो, या आपने हमारी जॉब, एक तरह से आपको वो पूछते हैं कि आपको कैसे उनके बारे में पता लगा, आप यहाँ पे किस चीज के लिए आए हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये बोलना है कि मुझे हर एक बैंकिंग लाइन की नॉलेज है, और ऑब्वियसली आपको होनी भी चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे खाली म्यूचुअल फंड्स नहीं बिकता है, यहाँ पे हर एक चीज आपको बेचनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। तो आपने उनको कहना है कि सर मुझे सारी नॉलेज है, क्या म्यूचुअल फंड होता है, सिर्फ क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या क्रेडिट कार्ड्स में फर्क होता है, उसके अलावा दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, और आगे मैं आपको बताऊंगा भी क्या क्या आपको याद करके जाना है। तो अभी अगर आपको उतना नहीं पता है, स्टिल दोस्तों आपको एक थॉरो रिवीजन भी हो जाएगी। उसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि आपने इस जॉब को क्यों करना है, आपको HDFC बैंक में ही जॉब क्यों करनी है, इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स हैं, आप उस बैंक में क्यों नहीं ट्राई करते। तो दोस्तों आप ये कर सकते हो, जैसे एज वी नो डेट HDFC बैंक इज नंबर 1 बैंक, ऑब्वियसली सबको पता है दोस्तों नंबर 1 बैंक है, और इस करके आपने इस बैंक के साथ इसलिए जुड़ना है क्योंकि दोस्तों इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी बंदे से पूछोगे कि आपने किस बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो अगर वो ठीक होगा, मिडिल क्लास भी होगा, या उससे एवरेज होगा, या उससे ऊपर होगा, हमेशा HDFC बैंक दोस्तों नॉर्मली पर्सन सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बैंक है, बहुत अच्छे अच्छे आपको ऑफर्स देता है। लगभग हर महीने में देखूं तो HDFC का कोई ना कोई ऑफर आ ही होता है। दूसरी बात दोस्तों, उसका सैलरी अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि HDFC सैलरी अकाउंट में बहुत अच्छे अच्छे आपको जो इंटरेस्ट रेट्स देता है। थर्डली दोस्तों आपसे वो ये पूछेंगे कि आपने इस बैंक में क्यों जॉब करनी है। चौथा आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको जो पुराना आपने जो जॉब है वो क्यों छोड़ी है, अगर आप बिगनर हो तो आप कैसे इसे हैंडल करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारा काम होगा वो बेचने का होगा। तो दोस्तों आपने ये कहना है कि सर मेरे को, मतलब आपने सब इंग्लिश में बोलना है, ऐसा हिंदी में कुछ नहीं बोलना है।
तो दोस्तों आपने उनको कहना है कि मेरे को पहले भी जॉब मैंने करी हुई है, उसके अलावा मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाऊंगा, सिप्स के बारे में समझाऊंगा, तो मेरे अकॉर्डिंगली वो मोटिवेट हो सकता है या एक तरह से उसको मैं सेल कर सकता हूं। और मैं सेलिंग ऐसे नहीं करूंगा कि मैं किसी को बेचूंगा, मतलब मैं ये चाहूंगा कि लोग मेरे से खरीदे, समझ रहे दोस्तों। आपने ये नहीं कहना कि मैं बेचूंगा, आप ये कहोगे कि मैं ऐसे कस्टमर को मोल्ड कर दूंगा, उसको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि वो मेरे से खरीदे कि भाई मेरे को बेच। तो इस तरीके से दोस्तों आपका इंटरव्यू रहेगा जो कि पहले राउंड में। उसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने पिछली जॉब ऐसे क्यों छोड़ी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने HDFC बैंक में आपका फर्दर स्कोप क्या, आप HDFC बैंक के आगे स्कोप क्या देखते हो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे वो ऐड करते हैं कि अगर सपोज करिए नाइट शिफ्ट्स है, या एक तरह से सॉरी अगर वो आपसे ये कहे कि आज आपको टाइम लेना पड़ेगा, आज जैसे कि नॉर्मली 6 बजे तक बैंक बंद हो जाता है, तो वो कहेंगे आपको 8 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है, 9 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है, तो आप हाँ कहोगे ना, तो दोस्तों ऑब्वियसली आपने हाँ कहना है। उसके अलावा आपको थोड़ा डराएंगे, आपको कहेंगे कि हाँ यहाँ पे सर डेली आपके इन्फॉर्मेशन लेंगे, या हर दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना सेल किया, आपको लिस्ट देंगे, डाटाबेस देंगे, और हर रोज आपको तंग करेंगे भाई कितना बेचा कितना बेचा, और आपको एक तरह से पूरा आपका दिमाग खराब कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से आप कैसे रहोगे। दोस्तों आपने उनको ये कहना कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, और आपने उनको ये बोला कि मैं ऐसी कोई सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा कि मेरे को सर का जो गुस्सा है वो सहना पड़े, मैं अपना जो काम है उसको टाइम से पहले ही कंप्लीट कर दूंगा। उसके अलावा दोस्तों आपसे वो पूछेंगे कि सपोज करिए आपका सेलिंग नहीं हुआ और सर आपको तंग करी जा रहे हैं, तो क्या आप जॉब छोड़ दोगे। दोस्तों आपने कहना है कि मैं सर यहाँ पे परमानेंट के लिए आया हूँ, मैं ये सोच के नहीं आया हूँ कि भाई मैंने 1 महीने जॉब करनी है, 2 महीने जॉब करनी है। दोस्तों उनको ये कहना है कि मेरा HDFC बैंक के साथ बहुत लगाव है, जैसे मैं इसको एक तरह से मुझे इसके बारे में नॉलेज है, तो मुझे ये लगता है कि HDFC के जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि भरत हो गया, फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, बहुत ज्यादा लोग इनको खरीदते हैं। तो इस तरीके को, इस चीज को देखकर दोस्तों मेरा जो है, आपने कहना कि सर मेरा HDFC से लगाव है, ऐसा नहीं है कि मैं खाली यहाँ जॉब कर रहा हूं, मेरा HDFC से बहुत ज्यादा प्यार है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड होता है खत्म। उसके अलावा आपसे वो पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो कि मैंने एक बार आपको टेक महिंद्रा इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बताया था, अगर आपने उसमें से जानना है आप उसमें से भी देख सकते हो। अब सेकंड राउंड के दोस्तों मैं यहाँ बात करूं, इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए वो रोक देंगे, मतलब एक तरह से आपको थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा 10-15 मिनट, या अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि दोस्तों आपने अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, ना आप मोबाइल लेके जा सकते हो, खाली कभी कभार आपको एक पेन कह देंगे लेके जाने के लिए, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली हाथ या पेन के साथ आपको अंदर जाना पड़ता है, सारे चीजें जो भी आपका सामान है वो बाहर ही पड़ा रहेगा। अब सेकेंड राउंड में दोस्तों क्या होता है, आपका मतलब एक तरह से अगर आप फर्स्ट राउंड पे सिलेक्ट हो जाते हो तो 90% चांस है कि आप सेकंड में भी सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, बहुत क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं, और ये देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, या वो आपको कह देंगे सिप और लमसम में क्या फर्क होता है, तो आपने उनकी जो बात है उनको रिप्लाई देना है। अब सेकंड राउंड की दोस्तों बात करूं, ऑब्वियसली 5-10 मिनट के बाद ये राउंड आने वाला होता है, और इस राउंड में वो आपसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पे जॉब क्यों करनी है, ठीक है दोस्तों, थोड़े बहुत मैचिंग क्वेश्चन या एक तरह से आपके इंट्रोडक्शन दो। उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपको सपोज करिए आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है और आपको सर गुस्सा करी जाता है तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों आपने ऑब्वियसली ये कहना है कि सर आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल डू माई वर्क ऑन टाइम, कि मैं टाइम से अपना काम करूंगा, और आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू जस्ट गेट एंग्री ऑन मी, ठीक है दोस्तों, मैं किसी को मौका नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव अ चांस टू एनी वन दैट दे विल गेट एंग्री ऑन मी, आई विल डू माई वर्क एट बिफोर टाइम। तो ये चीज आपने उनको बोलनी है कि मैं अपना काम पहले करूंगा और मैं मौका नहीं दूंगा सर को कि वो मेरे को डांटे। और उससे अच्छा दोस्तों आपको क्या, इसमें आपको डाटाबेस मिलता है जिसको देखकर आपने क्या करना है, उनको कॉल्स करनी है, सब कॉल्स कंप्यूटर के थ्रू ही जाती है, आपने मेक श्योर रखना है कि कोई कॉल आप कैंसिल ना करो, ठीक है दोस्तों। और जो भी बंदे की बैकग्राउंड आपको दिखा देगा कंप्यूटर के ऊपर कि उसके कितने अकाउंट में उसके पैसे पड़े हैं, क्या क्या उसने लिया है, तो बहुत ही बढ़िया इनका सॉफ्टवेयर है, आपको सारा कुछ उसमें पता लग जाता है। सेकंड राउंड में दोस्तों एक और बात यहाँ पे ऐड करने वालों की, कभी कभी क्या होता है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड के बारे में बता, HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में बता, भरत या फ्रीडम के जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में डिफरेंशिएट कर। तो आपने क्या करना है, सारी चीजों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है, कोई चक्कर नहीं दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, तो उसका भी दोस्तों आपको अभी वीडियो बहुत बड़ी है, तो आप अभी रुके रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड राउंड आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपने अपने खाली सर्टिफिकेट लेके आने, आप अपने मार्कशीट लेके जाने, ग्रेजुएशन बहुत ही होना जरूरी है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली है। अब मेन बात करते हैं दोस्तों क्या क्या चीजों को आपको याद करना जाना पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको बैंकिंग लाइन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, सिप क्या होता है, लमसम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके डिफरेंशिएट होता है, कितनी एनुअल फीस होती है नॉर्मली जो अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स HDFC के।
उसके अलावा दोस्तों आपको क्या है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होती है उसके बारे में दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं एचडीएफसी के कितने प्लान होते हैं, जैसे एंडाउमेंट प्लान हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, चाइल्ड प्लान हो गया और सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान, ये चार तरह के टाइप्स है दोस्तों, इनके भी बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आगे भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको राइडर्स पता होना चाहिए, राइडर्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता आप गूगल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थर्डली दोस्तों आपसे वो पूछेंगे कि एक सम इंश्योर्ड और सम इंश्योरेंस में क्या फर्क है। हेल्थ इंश्योरेंस की दोस्तों बात करूं, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आपने बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल मेडिक्लेम पॉलिसी है या जो कि अगर कवर करती है आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो। ऑब्वियसली जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप वो सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंपनी है आपको आपके बिहाफ पे देगी। सेकंडली दोस्तों वो कहेंगे कि आपके जो क्या क्या वो होते हैं कि किस किस फील्ड में जो है मेडिकल इंश्योरेंस काम करेगी। अगर आपको सपोज करिए हेल्थ इंश्योरेंस आपने ली हुई है, अगर आप प्री 30 दिन पहले और 60 दिन बाद ये मैक्स विभाग है आपका कवर रहेगा। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगी, एम्बुलेंस के चार्जेस कवर रहेंगे, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, नो कॉस्ट बोनस होगा। सपोज करिए अगर आपने इस साल आपने पैसे नहीं लिए है, आपने कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल दोस्तों आपको 10% उससे ज्यादा आपको बोनस उसमें बढ़ जाएगा। आपका जो क्लेम अगर 1,00,000 का है अगले साल वो 1,50,000 या जो भी 10% जितना भी आपने लिया है उतना बढ़ जाएगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होते हैं दोस्तों उसके बारे में आपको वो पूछ सकते हैं। अब मेन बात वो पूछेंगे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस क्यों बाय करनी चाहिए, तो दोस्तों आपने उनको बताना है कि आजकल सबसे पहले क्या है मेडिकल इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम पे अगर आप लेट लोगे तो आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे और जो फीस है जो कॉस्ट है मेडिसिन की वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। सेकेंडली आपने बोलना है कि दोस्तों प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डैमेज। सपोज करिए अगर आप 50 साल की उम्र पे आ गए हो और अगर आपको कुछ होता है तो दोस्तों आपको पता है तब तक बहुत ज्यादा एक तरह से मैं बोलूं जनरेशन गैप हो जाएगा, बहुत ज्यादा बीमारियां आ जाएगी, बहुत ज्यादा लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इस करके भी आपने सिक्योर रहना है, वो भी आपने रिप्लाई देना है। थर्ड आपने कहना है कि कॉस्टली ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली दोस्तों तब बहुत ज्यादा जो खर्चा बढ़ जाएगा, आजकल छोटी सी चीज भी हो जाए दोस्तों लगभग आपका 50-60,000 तो कहीं नहीं जाता है चाहे वो कुछ भी हो, तो इस करके मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों वो कहेंगे कि ट्रेडिशनल और यूलिप में क्या फर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल और यूलिप में क्या फर्क है। सेकंडली क्या क्या रिस्क कवर करता है और थर्ड आपसे वो पूछेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। अब एक बार दोस्तों यहाँ पे आपने बताना है उनको रिस्क कवर क्या होता है वो भी आपने याद करना है। उसके अलावा क्या है एंडाउमेंट प्लान क्या होते हैं। अब मेन बात करूं कि ट्रेडिशनल प्लान और यूलिप में क्या फर्क है। ट्रेडिशनल प्लान दोस्तों कन्वेंशनल प्लान्स इनको कहा जाता है और जो यूलिप है वो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक है जैसे इक्विटी हो गया, डेप्ट हो गया, इनमें आपका पैसा लग जाता है, ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। दूसरा दोस्तों जो है ट्रेडिशनल उसमें क्या है कि आपका लो रिस्क रिटर्न्स में, जिसमें ज्यादा आपका ना पैसा गिरेगा ना ज्यादा ऊपर जाएगा, उसमें आपका पैसा आपको बता देगा और प्लस आपको बता देगा कि आपको कितना पैसा डिक्लेयर कर देंगे बोनसेस की, भाई इतना पैसा तेरे को मिलने वाला है। जबकि यूलिप में क्या दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉलिसी होल्डर बियर करेगा। पॉलिसी होल्डर कौन, जो ले रहा है। अब जैसे सपोज करिए आपने इक्विटी डेप्ट में पैसा लगाया तो कल को कंपनी जिम्मेवारी नहीं लेगी, वो सारा आपके ऊपर बिहाफ पे जाएगा। उसके लिए आप क्या उसमें आप ट्रैक कर सकते हो पोर्टफोलियो को, मैं इसमें बात कर रहा हूं यूलिप्स की, आप पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हो, आप अपने विड्रॉल्स कर सकते हो, फंड निकाल सकते हो, सब कुछ, मतलब एक तरह से आप एक किंग हो, आप अपने जो पैसे के खुद मालिक हो। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल प्लान है उसमें क्या दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाली सम इंश्योर्ड आपका बता दिया जाएगा, आप ना ही उसमें कोई कुछ टॉपअप कर सकते हो, ना आप अपनी तरफ से कोई ट्रैक कर सकते हो, मतलब आप अपनी तरफ से पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं कर सकते हो। अब मेन बात करूं वो आपसे यही पूछ सकते हैं कि भाई HDFC के कोई भी दो क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे बता। तो दोस्तों जो बढ़िया क्रेडिट कार्ड है जैसे कि मनी बैक हो गया, फ्रीडम क्रेडिट कार्ड हो गया, HDFC का भरत हो गया, तो इसके बारे में आपने पॉइंट्स याद कर लेने कि भाई इसकी एनुअल फीस कितनी है, दोनों के थोड़े थोड़े 3-3 पॉइंट्स बेनिफिट्स याद कर लेने हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या HDFC बैंक में आपके राउंड्स होते हैं और केड़े केड़े क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं। अब मेन बात करूं कि दोस्तों मैं जॉब लगते लगते मेरी जॉब क्यों नहीं लगी। सबसे दोस्तों मैंने अक्टूबर के दौरान अपना इंटरव्यू दिया था और मैं सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों जो दिक्कत आई थी वो ये थी कि मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, ना मैंने सेमेस्टर लिए थे 5th-6th सेमेस्टर का, ना मैंने लिया था उनसे, और ना ही मैंने अपने जो एक पूरा एक तरह से डिग्री होती है वो मैंने नहीं ली थी। तो उसमें मेरे को कम से कम 10-15 दिन लगे, ठीक है दोस्तों, मैंने उनको डिग्री भी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहा, पहले तो उन्होंने एक दो चक्कर कटवाया, ठीक है अपना ये फॉर्म लेके आओ, ये लेके आओ। उसके बाद उन्होंने मुझे
फोटोग्राफ्स मंगवाए, एक दिन मैं उनको फोटोग्राफ देने गया, अपने सर्टिफिकेट देने गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब तेरी जॉब लग जाएगी, तुमने खाली क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है, तुझे कॉल आएगी। दोस्तों जैसे क्या हुआ, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, उन्होंने मुझे कॉल करके आप बोला कि सर आपको जो पिछला रिलीविंग लेटर लेकर आना पड़ेगा, कि जिस सर से आपने जॉब करी थी 3 महीने की, उनसे रिलीविंग लेटर लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने उनको मतलब बोल दिया कि सर है नहीं ये वो, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम आपको फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपने साइन कर देना, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों वो फॉर्म पे मैंने साइन सुन करके अपना नाम लिख के, कितनी देर तक मैंने उस जॉब में काम किया वो सारा लिख दिया, प्लस अपने सर का जो मोबाइल नंबर लिख दिया। तो उन्होंने कहा था हम आपको जॉब मिल जाएगी। पर दोस्तों जो मेन बात जो कि मुझे दुख देती है वो ये थी कि चलो मेरे तो डैड जो शॉप है डैड की, ठीक है दोस्तों मैं डैड का शॉप पे बैठ जाता हूँ, पर जो बंदा अपने डैड का शॉप या बिजनेस नहीं करना चाहता, ऑब्वियसली कई लोग होते हैं वो नहीं चाहते, वो अपना करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर कई लोग जो है जिनके डैड एक तरह से प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वो उनके साथ नहीं जुड़ सकते, तो ऑब्वियसली उनको अलग से जाना पड़ता है, अलग से अपना करना पड़ता है। तो मैं तो चलो दोस्तों मेरा तो बात अलग है, मुझे इतना नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत तो 50-50% दुख है, बट मैं एक तरह से ये सोच रहा हूँ कि भाई जिस बंदे के साथ ऐसा हो कि उसके बैक पे भी कोई वर्क ना हो और उसके साथ ऐसा हो तो क्या होगा। इन्होंने मुझे कि दोस्तों क्या कहा, इन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने क्या है अब आपको 2-3 दिन के अंदर सर आपको कॉल कर देंगे और आपको है खाली आना है इंटरव्यू, मतलब एक तरह से आपने जॉब के लिए आना है, हफ्ते का आपका वो रहेगा ट्रेनिंग का पीरियड और उसके बाद आप है सेट हो, ऑल सेट हो काम करने के लिए। दोस्तों इनकी क्या है, मुझे मैम की कॉल आती है और वो मुझे ये बोलते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कम है। दोस्तों ना मैंने कभी कोई क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है दोस्तों, ना मेरे कोई नाम पे लोन है, मैं ऑब्वियसली डैड का ही क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं और डैड के बिजनेस पे ही है जो लोन है, डैड के नाम पे है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है। और ऊपर से इन्होंने मुझे कहा कि मेरा सिविल स्कोर बना नहीं है या एक तरह से लो है। अब आप दोस्तों खुद बताओ कि भाई जिस बंदे ने लोन नहीं लिया, जिस बंदे के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो बंदे का सिविल स्कोर कैसे बिल्डअप हो सकता है, या उसका ऑब्वियसली -1 पे ही जाएगा ना। जिस बंदे ने आज तक लोन नहीं लिया, जिसके पास नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसका सिविल स्कोर कैसे बनेगा। तो मेरे को उनका ये लॉजिक नहीं समझ आया। दो मुझे सिलेक्टेड था मेरे, उन्होंने रिज्यूम के ऊपर भी मैंने देख लिया था कि क्या लिखा, उन्होंने लिखा था एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस एक और चीज लिखी थी, और स्टिल दोस्तों मेरे को जॉब मिलते मिलते नहीं मिली। आज ये फरवरी शुरू हो गया है, सॉरी अब ये मार्च शुरू हो गया, मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब लगा कि भाई अब मेरे हाथ में जॉब नहीं आने वाली है, ना मैंने कोई जॉब करनी है। डैड का बिजनेस दोस्तों मुझे अच्छा लगता है, बट स्टिल एक तरह से आपको बताना था कि भाई अगर आपके साथ ऐसा हो तो, मतलब एक तरह से अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपने इन चीजों को भी सोच के जाना है। ऐसे नहीं है क्या जैसे में सिलेक्ट हो गया आपकी जॉब लग गई। एक तो दोस्तों आपके सामने जीता जाता एक एक्सपीरियंस है कि भाई लगते लगते भी जॉब नहीं लगी। टेक महिंद्रा भी दोस्तों मेरे साथ यही हुआ था और मेरा लगते लगते नहीं लग पाया, और इसमें भी मेरे साथ यही हुआ है। सिलेक्ट होते होते भी एंड में सिविल स्कोर का पता उन्होंने क्या मुझे बोला, और मैं जो है इंटरव्यू के बाद ना मैंने कभी उनको कॉल करी ना कुछ हुआ। मैंने बस मैम को एक बार ही कॉल करके कहा था कि मैम जिस बंदे ने आज तक लोन नहीं लिया उसका सिविल स्कोर कैसे बनेगा। तो इतना अच्छा ब्रांड हो गया HDFC, ये एक तरह से रिप्लाई सुनना कि भाई आपका सिविल स्कोर कम है, मुझे लगता है कि कोई भी जस्टिस नहीं है। एक तरह से जो भी मैंने इतनी मेहनत करी, इतने टाइम में इंटरव्यू के लिए गया, इतना टाइम लगा, उसके बाद मैं 2-3 बारी चक्कर काटे मोहाली में। तो चलो दोस्तों बाकी है किस्मत का खेल होता है, बट सिर्फ एक बार ही आपको मैंने बताया था कि क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो क्या ये चीजें जो अभी मैंने आपको बताया सिविल स्कोर ये वो, तो सब आपने ध्यान पे रखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं यही चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप में से चुनिंदा लोगों की, ये पहले तो मैं चाहूंगा कि सबकी जॉब लगे, बट स्टिल ऑब्वियसली HDFC बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, लगभग डेली 50-100 लोग उधर इंटरव्यू देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 की 100 लग जाएगी, बट स्टिल जितने भी लोग ये वीडियोस को देखते हैं मैं यही चाहूंगा दोस्तों वो उनको जॉब मिले, एटलीस्ट कईयों को तो जॉब मिले। किसी बंदे को भी अगर ये वीडियो हेल्प करते हैं, मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई कि अगर भाई मैन तो आपकी तो जॉब लगे। तो दोस्तों यही चाहूंगा कि आपको, अब होप करो कि आपको साइट अच्छे से समझ आ गई होगी। आज मैंने आपको बताया कि भाई HDFC बैंक में अगर आपने जॉब हासिल करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। मैं ये चाहूंगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर दोस्तों इसको लाइक करेगा, मोटिवेशन बनता रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा भाई जिन्होंने HDFC बैंक में जाना है इंटरव्यू के लिए, उनके लिए ये वीडियो मैं 101% दोस्तों कहता हूँ कि आपको पसंद आएगी, बहुत हेल्प आपको करेगी। और एंड में दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि क्या क्या वो पूछते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। ये चाहूंगा कि दोस्तों आपकी जॉब भी जिस बैंक में आप चाहो आपके लग जाए। होप करूंगा भगवान रब सबको जो चाहते हैं उसको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेता हूं आपसे इजाजत, धन्यवाद।